front, east, west. तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा वास्तु मेरा भाग्य में स्वागत है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी, जाने वाले वास्तु एक्सपर्ट, और लगातार आपके सवालों का डॉक्टर पुनीत चावला जी जवाब दे रहे हैं। शादी के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आती है किसी भी लड़की को कि दूसरे के घर में नए घर में एडजस्ट करना अपने आप को, और किचन खास तौर से बहुत बड़ी चीज होती है इसमें। तो किचन में मां अन्नपूर्णा का साथ आपके साथ है, और किचन में खास करके आपका अगर राज रहेगा तो आप पूरे घर पे राज कर पाएंगे। तो चलिए इसी से संबंधित जान लेते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी से। तीसरा उपाय डॉक्टर साहब जी। जरूर, दोस्तों किचन की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप घर में आईना लगाते हैं, लुकिंग ग्लास लगाते हैं, कई बार अपने बेडरूम में लगाते हैं, कई बार लिविंग रूम्स में लुकिंग ग्लास लगाते हैं, मिरर्स लगाते हैं। तो अगर मिरर साउथ की दीवार पे लगे हुए हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेशनशिप में, अपने आप को एडजस्ट करने में। साउथ की दीवार पे कभी भी मिरर नहीं लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वह जो हमें सूरत दिखाता है वह इतनी अच्छी नहीं होती है जी। और कहाँ पे लगाना चाहिए डॉक्टर साहब? साउथ की दीवार तो आपने बता दिया। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट की दीवारों पर आप मिरर लगा सकते हैं, वेस्ट की दीवार पर भी मिरर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन साउथ की दीवार पर तो मिरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट में मिरर आप लगा सकते हैं। और नितेश हमारे साथ जुड़े हैं आसनसोल से, स्वागत है आपका नितेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो नितेश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल पूछिए। घर का है नेतृत्व, कौन से घर का पूरा पानी निकलता है, ये सही है या नहीं? मेरी वाइफ को फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं जब से हम लोगों ने इस घर में शिफ्ट किया है, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं जबकि फर्स्ट फ्लोर में हमारे टेनेंट है जी। नेतृत्व कौन कोई भी नहीं होता, नैऋत्य कौन होता है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ऐसा कौन जो होता है, आप यहाँ से वायु की दिशा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पानी यहाँ से जाता है नॉर्थ वेस्ट से। और अगले कॉलर हमारे साथ गौरव जी हैं दिल्ली से, स्वागत है गौरव जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो गौरव जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल पूछिए। हेलो, तो चलिए अब जान लेते हैं चौथा उपाय। बात करते हैं किचन की। गृहिणी को किचन अगर सही तरीके से मिल जाए तो उसका घर पे राज होने लगता है। तो आपकी किचन में गैस स्टोव के सीधे हाथ पे अगर पानी है तो आप खाना कितना मर्जी अच्छा बना ले, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जरूर हो जाएगा। गैस के सीधे हाथ पे कभी पानी नहीं होना चाहिए, गैस के उल्टे हाथ पे पानी रख सकते हैं। गैस ईस्ट में और नॉर्थ में पानी होना चाहिए जी। और जिस तरीके से आपने डॉक्टर बताया सीधे हाथ से सिंक के बारे में, ये क्यों सिंक सीधे हाथ में? देखिए, जब भी हम तत्वों की बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में दोनों में झगड़ा होता है। राइट हैंड साइड पे अगर आप फायर एलिमेंट के वाटर एलिमेंट देते हैं तो घर में क्लैशेस होने लगते हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड में देना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी से आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में जी। वास्तु एलिमेंट के लिए तो मुझे बॉक्स खोलना पड़ेगा, और बॉक्स से मैं एक बहुत ही सुंदर एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में एक छोटा सा पॉलिथिन है और उसमें आप देख रहे हैं ये डार्क ब्राउन कलर का एक पाउडर है। यह पाउडर हम बात करते हैं वास्तु तिलक के नाम से। वास्तु तिलक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों कि बाजार में इसे अवेलेबल कराया जा सके, लेकिन अगर इसको आप अच्छे तरीके से बनाते हैं, कई हर्ब जो हमारे जड़ी बूटी और मसाले हैं, खासतौर से केसर, रोली, लौंग, इलायची और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो आप इस तिलक में मिलाएं, और इस तिलक को अपने मुख्य द्वार और बाकी दरवाजों पर लगाएं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। वास्तु पुरुष प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि उस घर में प्रॉस्पेरिटी ही रहती है जहां पे वास्तु तिलक किया जाता है।
रीता हमारे साथ है जयपुर से। स्वागत है आपका रीता जी, सवाल पूछिए। रीता जी आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, गुड इवनिंग पुनीत जी। जी मैं आपको सुन रहा हूँ, सवाल पूछे। जी जी पुनीत जी नमस्कार। जी हाँ पुनीत जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटों को पढ़ाई के लिए कौन सा कमरा दूँ, छोटा बेटा है। पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा या ईस्ट का कमरा सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ फेस करके अगर आपका बेटा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा है। पीठ के पीछे दीवार होना जरूरी है। शिखा है अंबाला से, स्वागत है शिखा जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना है कि हमारे बेटों का, बच्चों का, मतलब कभी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट की दीवार की तरफ फेस करने के लिए बोला था तो ऐसे ही टेबल लगा। मैं आपको गाइड करता हूँ, जब भी कंसंट्रेशन कम होती है एमेथिस्ट का पत्थर यूज करें। एमेथिस्ट का पत्थर टेबल पर रखें और ठीक दीवार के सामने बैठ करके ना पढ़े। दीवार और हमारे अंदर 8 से 10 फुट का डिस्टेंस होना जरूरी है। जी तो इसी के साथ फिलहाल मेरा वास्तु मेरा भाग्य में रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास पेशकश जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में स्वागत है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट। पूनम जी हमारे साथ वर्धमान से बात कर लेते हैं। पूनम जी स्वागत है, सवाल पूछिए। सर हमारा 2 सवाल है। पहला सवाल है, घर का दक्षिण पश्चिम में जो कोना होता है वहाँ से पानी गिरना, घर के नालियों का पानी निकलता है, क्या वो सही है? और दूसरा मेरा सवाल है सर कि ईशान कुंड में हमारे यहाँ एक नल है, तो ईशान कुंड में क्या जूठे बर्तन धोना सही होता है? साउथ वेस्ट से पानी ड्रेन होना बहुत अशुभ माना जाता है, इससे घर में सेविंग नहीं आती है और काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का नल है तो थोड़ा सा दूर वहाँ से भर के आप जूठे बर्तन साफ कर सकते हैं। जूठे बर्तनों को वहाँ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं 5वां और अशुभ उपाय डॉक्टर पुनीत चावला जी से। जी दोस्तों, डेकोरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है सूखे हुए फूलों से डेकोरेशन करना। तो सूखे हुए फूल अगर घर में होते हैं तो अशुभता आती है, टेंशन घर में आती है। सूखे हुए फूल, ड्राइड फ्लावर्स डेकोरेशन कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स जरूर लगाएं लेकिन ड्राइड फ्लावर्स ना लगाएं। अब पुनीत जी कोई खास कलर के फूल? देखिए लाल और सफेद रंग के फूल घर में सुख शांति लेकर के आते हैं, आप जरूर लगा सकते हैं। बिल्कुल। रंजन हमारे साथ हैं, अगले कॉलर रांची से, स्वागत है आपका। रंजन जी सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। रंजन बोल रहा हूँ जी। मेरे घर के ईशान कोण में सर लैट्रिन का टैंक है, लैट्रिन टैंक जी। देखिए आसपास अच्छे पेड़ पौधे लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं तो इसका असर कम हो जाएगा। तो इससे पहले डॉक्टर साहब आपने बताया था कि किचन में सिंक अगर राइट साइड में है, अगर वो पहले से ही बना हुआ है तो क्या करें बिना? क्योंकि उसके लिए अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो किचन में गैस स्टोव के साथ में आप एक मिट्टी का गमला रखें। मिट्टी के गमले के ऊपर सफटिक का भी पत्थर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के बीच में अर्थ एलिमेंट रखना बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि लगातार हम आपको कार्यक्रम के दौरान बताते हैं कि आप हमें मेल भी कर सकते हैं मेरा वास्तु @liveindia.tv पर। ऐसी एक मेल है, शिव प्रसाद जी हैं, ये पटना से इन्होंने भेजी है। इनके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाया हुआ है, क्या ये सही है ये जानना चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं मनी प्लांट का पानी कितने दिनों में चेंज करना चाहिए। देखिए ये वास्तु पॉइंट नहीं है, यह प्लांटेशन का पॉइंट है और कोई भी पौधा कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा वास्तु मेरा भाग में आज के लिए इतना ही। डॉक्टर आपका बहुत 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 शुक्रिया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।